दोस्तों अभी हाल ही में मैंने अपने दूसरे चैनल गोस्ट माइंड पर कॉन्ट्रैक्टेड मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि काफ़ी बेहतरीन जोम्बी मूवी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ना एक बार कथकली डांस ज़रूर देखा होगा, चाहे वह आपने मूवी में देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा। फियर फाइल्स में आज की कहानी में एक ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरे तलो ज़मीन खिसक जाएगी। फियर फाइल्स में आज देखिए एक कथकली डांसर रीनू की कहानी। रीनू एक अच्छी आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक रीनू की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसने लिया एक बहुत ही भयानक रूप। आखिर ऐसा क्या हुआ था रीनू के साथ और कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार, और क्या रीनू अब अपना बदला लेने के लिए वापस आई है या फिर आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बहुत ही अनोखा सा एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मंच पर कथकली का नाटक चल रहा था। सभी के सभी आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने में बिजी थे। अभी वो अपनी परफॉर्मेंस कर ही रहे थे कि तभी इतने में परफॉर्मेंस के बीच में विश्वा सर एक आरती नाम की आर्टिस्ट पर चिल्लाकर पड़ते हैं, क्योंकि उसने मैन हीरोइन के एक्ट को कॉपी किया था, जहां पर वो उससे काफी डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने रोल करा करो और किसी के रोल को कॉपी करने की कोशिश मत किया करो। और इसी के साथ साथ हमको ये भी पता चल चुका था कि इस हीरोइन के लीड रोल को जो करने वाला था उसका नाम था रीनू, जो कि एक काफ़ी अच्छी कथकली आर्टिस्ट थी। उसके बाद तभी आरती उनसे कहती है कि मैं इस रोल को क्यों नहीं कर सकती, आप अपनी निगाह रीनू पर से हटाओगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि इस रोल के लायक केवल मैं हूँ। खैर उसके बाद तभी दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है और उनकी बहस से हमको एक बात साफ साफ पता चल जाती है, आरती कहीं ना कहीं रीनू से बहुत ही नफरत करती थी और विश्वा सर कहीं ना कहीं रीनू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तभी वो बोलते हैं कि रीनू को बुलवाया जाए, लेकिन उनकी इतना बात सुनने के बाद आरती उनसे कहती है, रो रही होगी कहीं एक कोने में बैठकर, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड प्रदीप अक्सर उसे मारता रहता है। विश्वा सर रीनू को कितना चाहते थे इस बात का अंदाज़ा हमको इससे लग जाता है कि वो रीनू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकते थे। खैर उसके बाद तभी वो कहते हैं कि रीनू अपने आप ही आ जाएगी। इसी बीच थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ऊपर से कुछ टपक रहा था। आरती इस बात को नोटिस करती है और वो कहती है कि ये बिन बादल बरसात कहाँ से हो रही है। खैर उसके बाद तभी वो चेक करती है तो उसे जो पता चलता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो देखती है ऊपर से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था और अभी उसके हाथ खून से सने हुए थे। विश्वा सर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वो ऊपर आवाज लगाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, और वो जैसे ही ऊपर आवाज लगाते हैं तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक लाश गिरती है, और देखने पर हमको ये पता चलता है वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद रीनू की थी। इसे देखकर विश्वा सर के साथ साथ सारे आर्टिस्ट काफी परेशान हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस जब वहां पर आती है तो वो आरती पर शक करती है, क्योंकि उनकी यूनिट के एक मेंबर से पुलिस वालों को ये पता चला था कि आरती ज्योति वो कहीं ना कहीं रीनू से बहुत ही नफरत करती थी और आरती की नजर रीनू के लीड रोल पर भी थी, इसीलिए पुलिस को आरती पर शक होता है। लेकिन तभी आरती उनसे कहती है, रीनू मेरी एक बहन की तरह थी और दो बहनों के बीच में अनबन तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रीनू को मार दिया है। और तभी आरती इसका सारा इल्जाम थोप देती है रीनू के बॉयफ्रेंड प्रदीप पर, और तभी पुलिस भी अब उस पर शक नहीं कर पाती। वेल उसके बाद तभी रीनू की डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और तभी विश्वा सर आरती को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं विश्वा सर को जो कि बिल्कुल अकेले रात के वक्त बैठे हुए थे। तभी अचानक बैठे बैठे उनको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है और वो घुंघरुओं की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रीनू की थी। इस आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी शौक हो जाते हैं और तभी इस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो उस घुंघरुओं की आवाज़ का पीछा करते करते उसके पास जाते हैं, तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनको घुंघरू मिलते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि रीनू के थे।
और दोस्तों इतना ही नहीं, उनको सामने की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सामने कौन है ये जानने के लिए विश्वा सर आगे बढ़ना फिर से शुरू कर देते हैं। वहां की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं और बाहर से देखने पर कमरे के अंदर उनको कोई दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। अभी वो चीज उनके तरफ ही दिख रही थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो उसी चीज के ऊपर गिर जाते हैं जहां उनको पता चलता है कि ये तो रीनू की डेड बॉडी है। विश्वा सर काफी जोर से चीख और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर आरती आ जाती है और लाइट्स को ऑन कर विश्वा सर से कहती है, अरे क्या ये पुतला आपके ऊपर गिर चुका है। इस बात से उनको राहत की सांस मिलती है कि चलो ये कोई रियल नहीं बल्कि एक पुतला था। लेकिन एक पल के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इसी बीच जब वो वहां से बाहर जा रहे होते हैं तभी आरती उनको पकड़ लेती है और उनके करीब आने की कोशिश करती है। वो उनसे रीनू के बारे में कहती है, रीनू तो अचानक चले गई और सबका भला कर गई। कहीं ना कहीं आरती को रीनू का रोल यानी कि रीनू का कैरेक्टर छीनना था। वो उनसे कहती है कि अब इस रोल को केवल वो करना चाहती है, लेकिन रीनू सर उससे मुंह पर मना कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि इस रोल के लायक केवल एक ही लड़की थी और वो थी रीनू, उसके अलावा इस रोल को कोई नहीं कर सकता। खैर उसके बाद तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो पुतला वापस से खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस वालों को जिसने रीनू के बॉयफ्रेंड प्रदीप को अरेस्ट कर लिया था और पुलिस वाले सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा रहे थे। लेकिन प्रदीप उनसे ये कह रहा था कि मैं रीनू से दिल और जान से ज्यादा प्यार करता था, मैं उसको मारने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता। और वो उनसे कहता है कि मुझे एक इंसान पर शक है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं आरती को जो कि रात के वक्त अपने घर पर जा रही थी। वो पार्किंग से अपनी कार को वहां से लेकर जा रही थी, लेकिन वो देखती है कि उसके कार के जस्ट सामने एक कार और खड़ी हुई थी जो कि उसका रास्ता रोक रही थी। वो चिल्लाकर उस कार वाले से कहती है कि अपनी गाड़ी को हटा लो, लेकिन वहां से कोई भी नहीं बोलता। तभी वो उसके पास जाती है और कार का दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन अभी भी वहां पर से कोई भी नहीं बोल रहा था, ना ही कोई वहां से बाहर निकल रहा था। तभी रीनू बोलती है, क्या इसी के अंदर मर गए क्या? और इसी के साथ साथ अचानक से उस कार का कांच अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर दोस्तों बैठी हुई थी रीनू की आत्मा जो कि देखने में बड़ी ही खौफनाक और भयानक लग रही थी। आरती उसे देखकर जरूरत से ज्यादा डर जाती है। वो वहां से डरकर भागती है, लेकिन इसी बीच वहां पर प्रदीप आ जाता है जो कि उसका गला पकड़ा हुआ था। प्रदीप बंदूक लेकर उसके पास आता है क्योंकि उसको आरती पर शक था और वो आरती से कहता है कि तुम्हारे अलावा रीनू को इतनी बेरहमी से कोई नहीं मार सकता। तभी आरती उससे कहती है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है वो भला किसी को मारकर अपना करियर बर्बाद कैसे कर सकता है। प्रदीप को यह लग रहा था कि इस रोल के लिए शायद इसने रीनू को मार दिया होगा, लेकिन वो तो मना कर रही थी और इसके आगे की सच्चाई क्या है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। सुबह हम देखते हैं कि आरती का मेकअप हो रहा था, उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी क्योंकि विश्वा सर ने उसको एक मौका दिया था ये प्रूफ करने के लिए कि वो इस लीड रोल को बहुत ही अच्छे से कर सकती है। उसकी मेकअप आर्टिस्ट भी रीनू के बारे में बात करने लगती है और तभी वो पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे उसने रीनू के मेकअप में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि एक हाथ उसके करीब बढ़ता है और उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है और दोस्तों वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि रीनू का था। रीनू उसका भी चेहरा बड़ी बुरी तरीके से बिगाड़ देती है। इसी बीच वहां पर विश्वा सर भी आते हैं और आरती से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, ये कैसी हरकतें कर रही हो। और तभी आरती को होश आने पर पता चलता है कि ये तो उसका एक वहम था, वहां पर रीनू नहीं थी। और अब विश्वा सर उससे कहते हैं कि तुम्हें एक मौका मैंने दिया था, अब तुमने वो भी खो दिया है। और तभी आरती उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं विश्वा सर ने उसको एक मौका और दे दिया था और वो अपनी परफॉर्मेंस विश्वा सर को दिखा रही थी, लेकिन वो एक्ट करते करते फिर से गलती कर देती है। इसी के साथ साथ विश्वा सर अब उससे मना कर देते हैं कि तुम इस रोल को अब नहीं कर पाओगी। इसी के साथ साथ आरती यहाँ पर अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं विश्वा सर को जो कि अपनी मसाज करवा रहे थे। मसाज कराते कराते उनको कुछ अजीब फील होता है।
और दोस्तों इसी के साथ साथ वो देखते हैं कि रीनू की आत्मा उनके शरीर के ऊपर चढ़ी हुई थी और उनको मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उठते हैं तो वो देखते हैं कि ये उनका एक वहम था, वहां पर कोई भी नहीं था। ऊपर से उनकी गर्दन पर कुछ अजीब तरीके के निशान आ गए थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं आरती को जो कि नहाकर आई थी और दोस्तों वो एक आईने के आगे खड़ी हुई थी कि तभी थोड़ी देर के बाद उसे आईने के अंदर रीनू का साया दिखाई देता है जो कि काफ़ी गुस्से में था। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये उसका एक वहम था, एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन सभी के साथ अब अजीबोगरीब घटनाएँ होना शुरू हो चुकी थी। तभी उसे विश्वा सर का मैसेज मिलता है जो कि उससे कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम इस रोल को नहीं करोगी। ये देखकर आरती विश्वा सर को कॉल करती है और उन्हें अपने पास बुलाती है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। पहले तो विश्वा सर मना कर देते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आरती को जो कि मेकअप करके और कॉस्ट्यूम पहनकर पूरी तरीके से सज रही थी। इस बार उसे परफॉर्मेंस दिखाकर प्रूफ करना था कि वो इस रोल को करने के लायक है। खैर दोस्तों इसी के साथ साथ हम देखते हैं उसे कांच के अंदर खुद के हम शक्ल में रीनू का साया दिखाई देता है जो कि एकदम स्टैच्यू बनकर खड़ा हुआ था। उसे लगता है कि ये उसका वहम है लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद देखते देखते रीनू का साया उसको जान से मार देता है। आरती की मौत के बाद हम देखते हैं विश्वा सर को जहां उन्हें आते वक्त एक लेटर मिलता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुम दुनिया की नज़रों में धूल झोंक सकती हो पर मैं सब जानती हूं। आगे एक लेटर और मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अब सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनके मोबाइल पर एक वीडियो आती है। तभी वो उस वीडियो क्लिप को प्ले करते हैं और उसके अंदर हम ये साफ साफ देख पा रहे थे कि इन्होंने ही रीनू को मार दिया था। लेकिन आखिर उन्होंने उसको क्यों मारा था? दरअसल बात कुछ यूं थी कि वो रीनू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और वो ज़बरदस्ती उसको पाना चाहते थे। लेकिन रीनू केवल प्रदीप को पसंद करती थी। गुस्से में आकर रीनू ने उनसे कहा कि अब वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती। इसी बीच जब वो उनकी नहीं हो पाई तो बेइज्जती के जरिए उन्होंने रीनू को जान से मार दिया था और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब वो आरती को भी मारने जा रहे थे। वो एक चाकू लेकर उसी मंच के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आरती अपना परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी वो चाकू लेकर उसके करीब बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो ही इस परफॉर्मेंस को करेगी। और विश्वा सर जैसे उस चाकू से उसको मारने वाले होते हैं तभी वो पीछे पलट कर देखती है जो कि आरती नहीं बल्कि रीनू की आत्मा थी। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो वहाँ से जान बचाकर फौरन ही भागते हैं एक कमरे में और तभी वो अलमीरा में छुपने के लिए उसे खोलते हैं लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी आरती की लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। रीनू की आत्मा भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये करना नहीं चाहता था, मैंने मजबूरी में आकर तुम्हें मार दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि रीनू ने उन्हें माफ़ कर दिया लेकिन तभी पीछे से एक भाला आता है और उनके शरीर के आर पार हो जाता है जिस वजह से उनकी भी वैसी मौत हो जाती है जैसी मौत उन्होंने रीनू को दी थी। एंड में पुलिस वाले विश्वा सर की मौत की वीडियो क्लिप को देखते हैं जहां उन्हें वीडियो के अंदर रीनू की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने आप से बात कर रहा है। और तभी अचानक अपने आप पीछे से एक भाला आकर उनको मार देता है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी।